बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नुमान कयूम, तुसी देख दे पाए हो गंदारा हिंको टीवी। सबसे पहले आज दी खबरां दा खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दा 50 लाख कारां दी तामीर वास्ते नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम करने दा ऐलान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार ने किया कि 50 लाख कार खाली ऐलान नाल नहीं बन सकते। फवाद चौधरी ते मुशाहिदुल्ला तल्ख कलामी, सैनेट इजलास मच्छी मंडी तब्दील। नून लीग दा पंजाब असेंबली दे बाद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना शदीद एहतजाज। अक्वामे मुतहिदे पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलीह लोधी ने किया कि वज़ीर आज़म की पॉलिसियां का मकसद मईशत नवी जान पाना वे। हुण खबरां की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5 साल 50 लाख कारां की तामीर वास्ते नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने किया कि मनसूबे से अमल दरामद कराने वास्ते नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की जासी, जिथे वन विंडो सिस्टम के तहत तमाम सहूलियात फराहम की जासन। तो इस अथॉरिटी की निगरानी मैं आप कर सा, यह अथॉरिटी 90 दिन कायम की जासी। जब तक कोई अथॉरिटी कायम नहीं होती, इस दौरान टास्क फोर्स हाउसिंग स्कीम से काम कर सी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली के बाद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना दिता तो शदीद एहतजाज किया। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असेंबली पार्टी के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने पंजाब असेंबली पहुंचे तो हुकूमत ने एहतजाज नाकाम बनाने वास्ते पंजाब असेंबली के मरकजी गेट में खारदार तारा लगा के मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इस मौके पर पुलिस की नफरी वही मौजूद ही लीगी अरकान असेंबली ने मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की। पुलिस अहलकारा ने इन्हों की कोशिश नाकाम बना दी थी। लीगी रहनुमा ने प्ले कार्ड चुके जिन्हें इंतकामी सियासत बंद करो और शहबाज शरीफ को रिहा करो के नारे दर्ज है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने नून लीग के सैनेटर मुशाहिदुल्ला एक बार वह तनकीद का निशाना बनाया। दोनों रहनुमाओं तक जुमिया का तबादला शुरू हो गया, जिसके बाद ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने एक बार वह मुशाहिदुल्ला से इल्जाम आयद करते हुए किया कि लीगी रहनुमा का पूरा खानदान PIA च। फवाद चौधरी की तनकीद के दौरान नून लीग के सैनेटर मुशाहिदुल्ला भी अपनी नशिस्त से खलो गए। बाद चेयरमैन सैनेट ने मुदाखलत करते हुए दोनों रहनुमाओं चुप करा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार ने रिमार्क दिए उनके वज़ीर आज़म जाके कच्ची आबादियां दे हालात देखो, 50 लाख कार सिर्फ ऐलान नाल नहीं बन सकते। कच्ची आबादियां से मुतालिक केस चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कच्ची आबादियां हालात रहने के काबिल नहीं गे। हुकूमत का काम है कच्ची आबादी के मकीनों नूं सहूलियात देवे। 50 लाख कार बनाना आसान काम नहीं गा, इस वास्ते वक्त ते पैसा बकार हो सी। कितने ही लोग एक कार चार खानदान रजिस्टर करवा ले सुनता कि ज्यादा कार मिलन। अक्वामे मुतहिदा पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलीह लोधी ने किया कि इमरान खान की हुकूमत की समाजी ते माशी तरजीहात ग्लोबल एजेंडा 2030 के मुताबिक हूँ। अक्वामे मुतहिदा की असेंबली की कमेटी से खिताब करते हुए मलीह लोधी ने किया कि वज़ीर आज़म की पॉलिसियां का मकसद मईशत नवी जान पाना वे। हुकूमती स्ट्रक्चर की बेहतरी, एहतसाब, शजरकारी, सेहत ते तालीम इस्लाहात, ज़रात दा फरोग, सस्ती तवानाई ते पानी जखीरा करना नवी हुकूमत की तरजीहात शामिल है। इस दे नाल ही अज दी खबरां खत्म हुई। नवी खबरां नाल वध मिलसियां। अल्लाह हाफिज़।